जिले के लिए बहुत अच्छा प्रयास है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब की प्रेरणा से और टोंक पुलिस अपने टोंक पुलिस के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का नवाचार करने जा रही है, जिसमें 1,00,000 पेड़ लगा करके उनके संरक्षण का कार्य है और किसी सरकारी पैसे की का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस अभियान में ये जन सहभागिता से अभियान हो रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिस प्रकार से भी बताया है, वे इसको जनता का अभियान बनाना चाहते हैं। ये केवल टोंक पुलिस का अभियान नहीं रहेगा, इसमें जनता से जुड़े जितने भी विभाग हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, दूसरा कोई समाज कल्याण हो, या पटवार घर हो, गिरदावर हो, ग्राम सेवक हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई धर्माचार्य हो, कोई धर्मस्थल हो, कोई भी इसमें वंचित नहीं रहेगा। सभी को अंतिम से अंतिम जिले के व्यक्ति को इसका पार्ट बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ऐसा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का मानना है। और निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक समझ में आता है, आदरणीय त्रिपाठी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 1,00,000 पेड़ लगाने का जो निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से हम लोग इसको पूर्ण करने के लिए अपना भी श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से प्रयास करेंगे। पहले डाकुओं से भीड़ बसवाए, अब खाकी से पौधे लगवाएंगे, किस तरीके का टास्क है ये? डाकुओं से बीहड़ को हरा भरा करने और उसकी परंपरागत जल संपदा को, वन संपदा को संरक्षित करने का कार्य तो हमारे टोंक के शहरे सरजमी टोंक से ताल्लुक रखने वाले इरफान भाई, जो अब नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, उनकी यादें उनकी बातें हमारे जहन में हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, उनकी वजह से वो काम हो पाया था। और आज वैसा ही एक विराट विनम्र व्यक्तित्व मनीष त्रिपाठी जी के रूप में हमारे सामने हैं। त्रिपाठी साहब ने, आपने देखा होगा कि टोंक पुलिस के इतिहास में पहली बार परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाया ही नहीं, बल्कि एक बड़ी मात्रा में निःशुल्क परिंदे भी। और सम्मानीय हैं जो हमारे एरिक सोलिम हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 6ठे प्रमुख वैश्विक नेता हैं, महान पर्यावरणविद हैं, ऐसे व्यक्ति ने भी टोंक पुलिस के और आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब के कार्यों को सराहा है, तो उन्हीं की प्रेरणा से काम होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम टोंक की हरियाली और खुशहाली के लिए और आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए, अपराधियों में भय पैदा करने के लिए एक सार्थक प्रयास साबित होगा।